नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं 1 से 12वीं तक, अगर उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो बैंक में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर पे ही देख सकते हैं कि उनके स्कॉलरशिप जमा हुई है या नहीं। बहुत बार देखा है कि बच्चे बैंक में जाते हैं और उनकी स्कॉलरशिप जमा नहीं होती और वापस आते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी एक ट्रिक कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। समग्र पोर्टल MP शिक्षा पोर्टल अपने किसी ब्राउज़र में टाइप करेंगे, उसको आगे प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको डेस्कटॉप साइट पे कर देंगे, फिर ये जो तीर का निशान आपको जो चिन्ह बताएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है होम पेज पर। तो जैसे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पर आ जाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस करना है, जो क्रॉस का निशान है वहाँ पर। फिर इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, जूम कीजिए, जूम किया मैंने तो स्कूल एवं छात्रों के जो एरो बना हुआ है या बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका सत्र पूछेगा, शैक्षणिक वर्ष तो हम 2020-21 चुन लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे वाला जिसमें पूछेगा ज़िला, तो ज़िला चुन लेंगे, हमारा जो भी ज़िला है, जैसे हम इस बार खरगोन चुन लेते हैं। इसके बाद में विकास खंड, तो यहाँ पे हम महेश्वर चुन लेते हैं। इसके बाद में आपको आपकी संस्था गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है उसको चूज़ करना है। फिर उसके बाद में आपको आपकी स्कूल का डाइस कोड डालना है। डाइस कोड डालने के बाद में आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से 9th भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10th भी, 11th, 1 से 12 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी के लिए 10 सेलेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद में हमको लास्ट वाला ऑप्शन सेंक्शन बाय SSTTO, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कैप्चा डाल देंगे जो 3 अंक का होगा और उस व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्कूल के जितने भी छात्र हैं उनके सब के यहाँ पे समग्र आईडी आ जाएगी। तो हमारी समग्र आईडी ढूंढ के हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम समग्र आईडी पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, जैसे हमने समग्र आईडी पर क्लिक किया है तो हमारे पास ये व्यू आ गया है छात्र का और वहाँ पे लिखा है व्यू। व्यू को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे वाला पेज ओपन होगा। ये व्यू लिखा हुआ है, व्यू पे हमने क्लिक किया है तो आगे का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर भी हमको ये जो CDN जो कैप्चा है खाली स्थान में भर देंगे और सबसे पहले इसको डेस्कटॉप पे कर लोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा या कंप्यूटर पे। फिर हमने ये कैप्चा डाल दिया है और विद्यार्थी की छात्रवृत्ति पे क्लिक करेंगे तो आपकी छात्रवृत्ति जमा हुई है या नहीं हुई है ये आपको पता चल जाएगा। लास्ट में हम इसको ऊपर लाएंगे, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा ऊपर तो नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। पहले वाले पॉइंट में आपको लिखा हुआ पाएगा कि आपकी प्रोफाइल पंजीयन किस तारीख को हुई है और दूसरे वाले पॉइंट में आएगा कि आपकी स्कॉलरशिप जमा हो गई है और किस तारीख को जमा हुई है। अगर लास्ट वाला सेकंड पॉइंट में अगर आपको दिखता है कि आपकी छात्रवृत्ति जमा हो गई है तो ही आप बैंक में जाए, अन्यथा बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितने पैसे मिलते हैं वो भी आपकी जानकारी उस पर हो जाएगी। हमें दूसरे बच्चे की जानकारी देखते हैं, एक बार और आपको बता देते हैं, किसी दूसरे समग्र आईडी पर क्लिक करके देखते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे, जिस बच्चे की छात्रवृत्ति जमा नहीं है हम उसको देख लेते पहले। समग्र आईडी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू को हम ओपन करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी आ जाएगी, ये आ गई समग्र आईडी और सत्र भी आ जाएगा। यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे, इसके पहले हम डेस्कटॉप मोड पे कर लें। यहाँ पे जैसे ही कैप्चा को डालते हैं और विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी पे क्लिक करते हैं तो उस बच्चे की पूरी जानकारी आ जाएगी। देखो, यहाँ पे लास्ट में हम जब इसको देखते हैं तो एक ही पॉइंट है कि हमारी प्रोफाइल अपडेशन किस तारीख को हुई है, पर सेकंड पॉइंट नहीं है कि छात्रवृत्ति कब जमा हुई है। तो
इस बच्चे की छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई है, इस बच्चे को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी छात्रवृत्ति का लिखा हुआ आएगा आप बैंक जाके निकाल सकते हैं।